चैप्टर नंबर टू फाइनल अकाउंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म कसम नंबर एट हम कर रहे हैं। पेज नंबर तो मैं बोलूंगा नहीं क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है स्क्रीन पे। ब्रह्मा एंड विष्णु आर पार्टनर्स ऑफ अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:2। आपके पास बुक होगा तो उसके अंदर में आप लोग टिक कर देना, अंडरलाइन कर देना प्रॉफिट एंड लॉस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:2 को। ओके, तो ऐसा हम अंडरलाइन कर देंगे। नाउ फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस डेटेड 31/3/2017 एंड एडजस्टमेंट्स प्रिपेयर करना है अकाउंट्स ऑफ द फर्म। ट्रायल बैलेंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म ऑफ ब्रह्मा एंड विष्णु एज ऑन 31/3/2017। ड्रॉइंग्स ब्रह्मा विष्णु 5000, विष्णु का 5000। लीज होल्ड बिल्डिंग फ्रॉम 1/4/16 फॉर 10 इयर्स दे दिया गया है 60,000। मशीनरी ऑफिस डिस्काउंट अलाउड, डेटर्स कैरेज आउटवर्ड, फर्नीचर पिक्चर्स, सैलरी बैड डेब्ट्स, बिल रिसीवेबल्स, ट्रेडिंग एक्सपेंसेस, कैश बैलेंस, स्टॉक 31/3/17 दैट इज अ क्लोजिंग स्टॉक गिवन टू यू। क्रेडिट बैलेंस है ब्रह्मा विष्णु, लोन ऑफ ब्रह्मा आपको दे दिया गया है, डिस्काउंट रिसीव, क्रेडिटर्स, कमीशन, बिल्स पेबल, ट्रेडिंग अकाउंट। हाउ टॉक अबाउट द एडजस्टमेंट्स। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 6% ऑन मशीनरी एंड 20% ऑन फर्नीचर फिक्चर्स। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फर्नीचर को टिक करते हैं यहाँ पे एंड वी राइट ऑन वन। फर्नीचर को टिक करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे वन, दैट मीन्स हमें इसकी एंट्री यहां से पास करनी है। एडजस्टमेंट को हमने टिक कर दिया है। रिटर्न ऑफ 500 फ्रॉम डेटर्स एज बैड डेब्ट, ओके, तो डेटर्स को टिक करेंगे और वहां पे लिख देंगे नंबर टू। एनुअल सैलरी ऑफ 5000 एंड 4000 पेबल टू ब्रह्मा एंड विष्णु रेस्पेक्टिवली, सो दैट मींस इसकी एंट्री यहां से पास होगी तो हम इसको स्क्वायर या राउंड कर देंगे, दैट मींस वी हैव टू पास द एंट्री फ्रॉम हियर। कमीशन ऑफ 500 इज रिसीवेबल, ओके, तो कमीशन को टिक करते हैं और यहां पे हम लिख देते हैं 4। आउटस्टैंडिंग सैलरी इज 3000, तो सैलरी को टिक करेंगे व्हिच हैज बीन गिवन ऑन द डेबिट साइड एंड वी विल राइट डाउन ओवर देयर 5। तो जितने भी एडजस्टमेंट्स हैं सबसे पहले आपको क्या करना है, उसको टिक करना है। ओके, नाउ सी ड्रॉइंग अकाउंट जो ब्रह्मा एंड विष्णु है दैट विल गो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बिकॉज यहाँ पे हम लोग अब क्या क्या बनाने वाले हैं पहले हम वो समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट, फिर बनाना है हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड वी हैव टू प्रिपेयर बैलेंस शीट। तो यहाँ पे हम लोग ये सब चीजें बनाएंगे। ओके, नाउ अभी मेरे हिसाब से यहां पे अगर मुझे दे दिया गया है ट्रेडिंग अकाउंट दैट इज 97250, तो दैट मींस कि यहां पे मुझे ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट का देखो बैलेंस दे दिया गया है। तो इफ द ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस इज बीन गिवन देन आई विल नॉट प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट ओवर हियर। सो यहां पे हमें सिर्फ इन सॉर्ट ऑफ चार ही बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस। हम सिर्फ चार चीज बनाएंगे, ये तो नॉर्मल हम लोग पांच चीज बनाएंगे। तो ड्रॉइंग अकाउंट जो है वो क्या जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। लीज होल्ड बिल्डिंग विल गो टू बैलेंस शीट, मशीनरी जाएगी बैलेंस शीट में एसेट साइड, लीज होल्ड बिल्डिंग भी बैलेंस शीट में एसेट साइड। डिस्काउंट अलाउड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, डेटर्स एसेट, कैरेज आउटवर्ड विल गो टू पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड, देखो डेबिट है तो वो डेबिट साइड ही जाने वाला। फर्नीचर फिक्चर एसेट सैलरी पीएनएल, बैड डेब्ट जाएगा पीएनएल, बिल रिसीवेबल एसेट, ट्रेडिंग एक्सपेंस पीएनएल, कैश बैलेंस एसेट एंड दिस इज द स्टॉक 31/3/17, दिस इज द क्लोजिंग स्टॉक। तो जो क्लोजिंग स्टॉक है वो अगर आपको ट्रायल बैलेंस में दे रखा है तो उसकी एंट्री बैलेंस शीट में जाती है। तो ये कहां जाएगा आपका, बैलेंस शीट में जाएगा, बैलेंस शीट में भी एसेट साइड जाएगा। Now talk about the capital account Brahma and Vishnu, ये capital account के credit side चले जाएंगे। Loan of Brahma, यहाँ पे अब ये hidden adjustment है, तो ये hidden adjustment हम लोग बाद में करेंगे, ये जाएगा liability side। Discount received PNL में credit side, creditors will go to liability, commission will go to PNL credit,
bills payable will go to liability and trading account will go to PNL में जाएगा ये credit side. ऐसे भी credit लिखा है तो ये credit side ही जाने वाला है definitely. So let us now prepare all the four accounts. So now let us start after preparing this. तो हमारा जो सबसे पहला adjustment हमें दे रखा है that is provide करो 6% depreciation on machinery पे करना है. तो हमें machinery account बोला गया था 6% on machinery account. तो हमारा जो machinery account था 50,000 तो ये जाएगा balance sheet में. तो सबसे पहले आप लोग क्या लिखोगे, मशीनरी लिख देते हैं एंड मशीनरी इनर कॉलम विल बी 50,000. लेस करना है डेप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन भी कितना करना है 6% करना है. तो 50,000 का 6% आप निकालेंगे तो 50,000 का 6% होता है 3,000. So outer column it will be 47,000. Now depreciation है अपने minus किया है, इसका दूसरा effect जाएगा PNL में debit side. तो profit and loss account में debit side लिखोगे to depreciation. और अब यहाँ पे लिख देते हैं machinery. और मैं inner column लिखता हूँ 3,000 rupees क्योंकि मुझे एक और depreciation देना है. चलिए come back to asset. अब एसेट में आने के बाद फर्नीचर एंड फिक्स्चर्स, फर्नीचर एंड फिक्स्चर पे देंगे. तो फर्नीचर एंड फिक्स्चर का अगर आप देखोगे तो आपको दे रखा है 5,000 rupees. तो 5,000 rupees दे दिया फर्नीचर एंड फिक्स्चर. इस पे भी आपको डेप्रिसिएशन देना है. सो लेस डेप्रिसिएशन, पर यहां पे जो मुझे डेप्रिसिएशन देना है दैट हैज टू बी गिवन 20%, जैसा एडजस्टमेंट नंबर 1 में लिखा है. सो 5000 का 20%, सो 5000 का 20% आप निकालोगे तो यू विल गेट 1000. सो 5000 माइनस 1000 करेंगे तो आउटर कॉलम विल बी 4000. नाउ डेप्रिसिएशन है इसलिए इसकी दूसरी इफेक्ट जाती है अगेन आई एम रिपीटिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड. तो टू डेप्रिसिएशन करके लिखते हैं फर्नीचर एंड फिक्स्चर 1000. सो आउटर कॉलम विल बी 4,000 rupees. नाउ तो फर्स्ट एडजस्टमेंट क्लियर. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सेकेंड एडजस्टमेंट, रिटर्न ऑफ 500 फ्रॉम डेटर्स एज बैड डेट. तो हमें अब डेटर्स में से बैड डेट माइनस करना है. तो बैड आप देखो डेटर्स कितने दे रखे हैं आपको 40,000 दे रखे हैं. सो दैट मींस ओवर हियर आई विल राइट डाउन डेटर्स 40,000 और इसमें से हम लेस करेंगे बैड डेट. नाउ दिस बैड डेट इज कंसिडर्ड एज एडजस्टमेंट वाला बैड डेट. ओके रिमेंबर वन थिंग, अब इसमें से ही हम माइनस करेंगे 500. So 40,000 minus 500 will give you 39,500. Now हम जाते हैं PNL account में और PNL account में over here we will write down to bad debt, trial balance. तो bad debt trial balance आपको कितना दे रखा है 1200. If you see आपको दे रखा है salary के नीचे. इसमें मैं ऐड करूंगा बैड डेट एडजस्टमेंट और एडजस्टमेंट वाला है 500. अभी हमें यहां पे बीडीआर नहीं दिया है तो हम वो बिना मतलब बीडीआर नहीं लिखेंगे. तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे डायरेक्टली अभी से आउटर कॉलम में ट्रांसफर कर देंगे 1700. फिर तो हम लोग यहां पे इसके नीचे ऐड करेंगे बीडीआर एडजस्टमेंट फिर माइनस करेंगे बीडीआर ट्रायल बैलेंस. अब ना तो बीडीआर दे रखा है ट्रायल बैलेंस में हमें इस कॉलम को लिखने का कोई मतलब है नहीं तो ऑटो कॉलम में डायरेक्टली आप ट्रांसफर कर देंगे. एनुअल सैलरी ऑफ 5000 एंड 4000 इज पेबल टू ब्रह्मा एंड विष्णु रेस्पेक्टिवली. मैंने बोला था कि इसकी एंट्री हम लोग यहां से ही पास करेंगे. सो अभी एनुअल सैलरी देना है. ओके तो कैपिटल अकाउंट में जाते हैं.
नाउ इन कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले क्रेडिट में हम लोग लिख देते हैं इनका बैलेंस, तो भाई बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख देते हैं भाई पहले, ये बहुत जरूरी है। तो बैलेंस कितना है इनका कैपिटल का, 55,000 एंड 45,000। तो यहां पे हम लिख देते हैं इनके बैलेंसेस, तो ब्रह्मा का बैलेंस था 55,000 एंड विष्णु का था 45,000। और अब मैं यहाँ पे इनकी सैलरी लिख देता हूँ क्योंकि इनकी इनकम है, तो बाय सैलरी अकाउंट। ओके, उनको सैलरी हम कितना दे रहे थे, 5,000 एंड दूसरे को दे रहे थे 4,000 सैलरी विष्णु। अब ये दोनों की जो इफेक्ट है दैट विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो दिस इज योर एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहां पे हम लिख देंगे टू सैलरी ओवर ये ब्रह्मा 5,000, विष्णु 4,000। ओके, आउटर कॉलम विल गो टू 9,000। चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट हम पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट एडजस्टमेंट में आपको दे रखा है कमीशन ऑफ 500 इज रिसीवेबल, मतलब आउटस्टैंडिंग है, इट विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। सो बाय कमीशन एंड कमीशन अगर हम देखेंगे तो हमको दे रखा है 2500 ऑन द क्रेडिट साइड। इसके अंदर आप ऐड करोगे, दैट इज योर ऐड आउटस्टैंडिंग बोल के, तो आपका आउटस्टैंडिंग जो है दैट इज गिवन टू यू 500, सो दैट कम्स टू टोटल 3,000 रुपीज। आउटस्टैंडिंग सैलरी 3,000 है, मतलब ये कहां जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा, इसकी दूसरी इफेक्ट पहले हम पास कर देते हैं, आउटस्टैंडिंग कमीशन है तो इसकी जो दूसरी इफेक्ट है दैट विल गो टू योर एसेट साइड क्योंकि आपका इंक्रीज हुआ। तो यहां पे हम लिख देते हैं आउटस्टैंडिंग कमीशन एसेट इंक्रीज एंड दैट इज रुपीज 500। नाउ वी मूव टू द आउटस्टैंडिंग सैलरी 3,000। तो यहां पे हम जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, तो डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू सैलरी एंड द सैलरी इज गिवन टू यू 7500। अगर आप देखेंगे तो ऑन द ट्रायल बैलेंस डेबिट साइड यहां पे अब आपको सैलरी क्या करना है, ऐड करना है क्योंकि आउटस्टैंडिंग है। सो आउटस्टैंडिंग सैलरी इज 3,000 रुपीज, तो आपने आउटस्टैंडिंग सैलरी कर दिया 3,000 रुपीज, सो टोटल हो गया 10,500। नाउ इसके दूसरे इफेक्ट जाएगी लाइबिलिटीज में क्योंकि ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस का आउटस्टैंडिंग ऑलवेज गोज टू द बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। सो आउटस्टैंडिंग सैलरी इज 3,000 रुपीज। तो यहां पे आपने ये जो एडिशनल एडजस्टमेंट था इसको कंप्लीट किया। अब हम सॉल्व करेंगे जो हिडन एडजस्टमेंट्स। हिडन एडजस्टमेंट में एक दे रखा है आपको लीज होल्ड बिल्डिंग एंड दूसरा दे रखा है लोन ऑफ ब्रह्म, तब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। नाउ इन हिडन एडजस्टमेंट नंबर वन, तो मैं यहाँ पे नीचे वर्किंग नोट लिख देता हूं, वर्किंग नोट वन, आप ट्रायल बैलेंस के नीचे चेक कर सकते हो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं वर्किंग नोट। नंबर वन है लीज होल्ड बिल्डिंग को लेके, तो दैट इज लीज होल्ड बिल्डिंग। अब लीज होल्ड बिल्डिंग के बारे में क्या लिखा है कि आपने लीज होल्ड बिल्डिंग लिया है 1/4/16 को फॉर 10 ईयर्स के लिए, so that means 1/4/16 for 10 years lease taken of rupees 60,000. So we say therefore during
करंट ईयर, तो करंट ईयर का कितना होगा, तो 60,000 रुपीज को मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 10 से, तो मुझे पर ईयर मिलेगा। सेकेंडली मेरा बैलेंस शीट कब एंड हो रहा है, 31/3/17 को, दैट मींस 1/4/16 से 31/3/17 इज माय फाइनेंशियल ईयर, और आपने लीजोल बिल्डिंग भी 1/4/16 से लिया है, तो मतलब 60,000 को मैं 10 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे पर ईयर का लीज मिल जाएगा। तो पर ईयर लीज 60,000 डिवाइडेड बाय 10 करते हैं तो वी गेट 6,000 रुपीज। सो ये जो 6,000 रुपीज है ये विल बी रिटर्न ऑफ होगा, मतलब एवरी ईयर मुझे 6,000 रुपीज रिटर्न ऑफ करना है, तो जिसकी इफेक्ट जाएगी बैलेंस शीट में एसेट साइड। So over here in the asset side, I will write down leasehold building, inner column 60,000 less return off. Return off का मतलब क्या होता है कि आपने पहले ही उसको 60,000 रुपीज दे दिए हैं और अब मैं every year अपने books में 6,000 रुपीज minus करता हूँ दिखाऊंगा, that is the return off meaning. So that means 54,000 next year carry forward होगा. Now, leasehold building का ये जो आपने return off किया है, ये आपका expense है, इसीलिए expense will go to the profit and loss account debit side, इसीलिए आप यहां पे लिख देंगे to leasehold building return off. तो लीज होल्ड बिल्डिंग रिटर्न ऑफ लिख देंगे 6,000 रुपीज। चलो नाउ नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज लोन ऑफ ब्रह्मा, ब्रह्मा को लोन देना है, ब्रह्मा जी को। तो नाउ सेकंड लोन ऑफ ब्रह्मा, अब ये जो लोन ऑफ ब्रह्मा था आपका कितने रुपीज का है, ऑफ 50,000 दिया तब 1/7/16 को दिया, तो दैट मींस फ्रॉम 1/7/16 से लेके 31/3/17 तक कितने महीने में, पहले तो काउंट करते हैं, सॉरी लोन कब दिया था, 1/7 को दिया था, यहाँ पे आएगा 1/7, शायद बोला 7 ही होगा बट टाइप ये हो गया होगा या जो भी है, मैं करेक्शन कर दिया है 1/7/16, तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, सो दैट मीन्स हमें 9 मंथ्स का इंटरेस्ट देना होगा, सो 9 मंथ्स इंटरेस्ट टू बी गिवन। नाउ हमने अपने पार्टनरशिप डीड में पढ़ा है कि इफ एनी पार्टनर इज गिविंग यू लोन, तो अगर कोई पार्टनर लोन दे रहा है और अगर उसका इंटरेस्ट स्पेसिफाइड नहीं है then you will charge 6%, तो मुझे यहां से 6% चार्ज करना है इंटरेस्ट ऑन लोन, एन अमाउंट है 60,000, सो 60,000 मल्टीप्लाई बाय 6% मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि 9 मंथ्स का काउंट करना है, आपके पास कैलकुलेटर है, 60,000 मल्टीप्लाई 6% मल्टीप्लाई 9 बाय 12 आप निकालेंगे तो आपको दिखेगा 2250, सो 2250 रुपीज इज द इंटरेस्ट ऑन लोन। अब इसकी इफेक्ट्स किधर आएंगे, तो लाइबिलिटी साइड, सबसे पहले आप लाइबिलिटी में लिखेंगे लोन ऑफ ब्रह्मा 60,000 रुपीज आउटर कॉलम, उसके नीचे लिख देंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ ब्रह्मा, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लोन ऑफ ब्रह्मा ओवर हियर यू विल सो 2250। नाउ एनी पार्टनर टेकिंग अ लोन और उसका इंटरेस्ट बाकी है, मतलब देता है और उसका इंटरेस्ट बाकी है, तो उसका जाएगा ऑन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, तो यहां पे हम लिखेंगे टू
outstanding interest on loan, क्योंकि उसे फर्म को देना पड़ेगा, पार्टनर से लोन लिया था तो पार्टनर को देना तो पड़ेगा ना इंटरेस्ट, तो ये फर्म का एक्सपेंस है. आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन नंबर, और यहां पे लिख देंगे 2250. चलो ये हो गया ब्रह्मा. तो एंट्री फॉर द हिडन एडजस्टमेंट इज ऑल्सो डन. अब हम हमारी जो बाकी की एंट्रीज रह गई है उसको पास करेंगे. सबसे पहले आपको दे रखा है ट्रायल बैलेंस में ड्रॉइंग ब्रह्मा एंड विष्णु 5000 5000. तो इनका ड्रॉइंग उनके कैपिटल अकाउंट में लिखना पड़ेगा हमें, राइट. तो इनके कैपिटल अकाउंट में हम यहाँ पे लिख देते हैं 2 ड्रॉइंग एंड दैट इज 5000 5000. चलो कैपिटल अकाउंट क्लियर. नाउ अगेन मूविंग टू लीजोल बिल्डिंग हो चुका है, मशीन हो चुका है, एंट्री पास हो गई है. डिस्काउंट अलाउड 350. तो ओवर हियर 2 डिस्काउंट अलाउड 350. पीएनएल में आ जाएगा डेबिट साइड. डेटर्स एंट्री पास, कैरेज आउटवर्ड. सो कैरेज आउटवर्ड विल गो टू पीएनएल अकाउंट. 22 कैरेज आउटवर्ड. आपका कैरेज आउटवर्ड कितना आपको दे रखा है 1200. फर्नीचर फिक्चर्स डन, सैलरी डन, बेड डेब्ट डन, बिल रिसीवेबल 20,000. एसेट साइड जाएगा, तो एसेट साइड में आपने लिख दिया बिल रिसीवेबल. सो बिल रिसीवेबल अमाउंट इज 20,000. ट्रेडिंग एक्सपेंस विल गो तो 2 ट्रेडिंग एक्सपेंस 5900. कैश बैलेंस 6000 विल गो टू बैलेंस शीट. कैश बैलेंस जाएगा बैलेंस शीट में 6000. स्टॉक इट्स अ क्लोजिंग स्टॉक, ये भी जाएगा एसेट में. स्टॉक 31,317. तो हमने सबसे पहले डेबिट साइड क्लियर कर दिया. नाउ वी गो टू द क्रेडिट साइड. कैपिटल एंट्री हमने पास कर दिया, लोन की एंट्री पास हो चुकी है. डिस्काउंट रिसीव इज योर इनकम, इसीलिए पीएनएल में जाएगा 2 डिस्काउंट रिसीव. तो डिस्काउंट रिसीव्ड है 400 रुपीज. क्रेडिटर्स आपकी लाइबिलिटी है, इसलिए इसको आपको लाइबिलिटी में लिखना है क्रेडिटर्स. सो क्रेडिटर्स आपको कितना दे रखा है, ऊपर है 25,000. तो 25,000. कमीशन एंट्री पास हो चुका है. बिल्स पेबल 5,000. तो बिल्स पेबल विल गो टू लाइबिलिटी. बिल्स पेबल, तो बिल्स पेबल में हम लोग एंट्री लिखेंगे 5,000 रुपीज. देन वी टॉक अबाउट द ट्रेडिंग अकाउंट. सो ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस है, इट विल गो टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. ये आपका वन टाइम का नेट प्रॉफिट हो चुका है, ग्रॉस प्रॉफिट हो चुका है. तो बाय ट्रेडिंग अकाउंट. सो 97256, ऑल द एंट्रीज हैज बीन पास्ड. सो नाउ वी मेक द टोटल of credit side 97,250, 3,400. तो अगर हम total देंगे तो the total will be 100,650. अब debit side में भी same total 100,650. जरूरी नहीं है, पहले check करना पड़ता है. तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले check करेंगे. तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वापस टोटल चेक कर लेते हैं इसका. तो यहाँ का जो टोटल है दैट इज 31900. आई एम गेटिंग द टोटल फ्रॉम द एक्सेल शीट. यहाँ पे जो कॉर्नर है यहाँ से मेरे को टोटल दिख जाता है, इसका मैं बोल देता हूँ आप लोगों को टोटल, बाकी एग्जाम में तो आपको खुद करना ही पड़ेगा. तो अब ये जो 31900 आया, इसको मैं माइनस करता हूँ 100650 से. So that comes to 31900 minus किया था, I will get the difference 68750.
तो यहाँ पे मेरा जो डिफरेंस आया 68750, दैट डिफरेंस इज नोन एज टू नेट प्रॉफिट. इसको हम नेट प्रॉफिट बोलते हैं. अब ये जो नेट प्रॉफिट होता है ये जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ओवर ईयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा. और यहां पे मैं लिखूंगा बाय नेट प्रॉफिट एंड यहां पे चला जाएगा 68750. नाउ ओवर ईयर वी विल मेक द टोटल, तो दैट विल बी डेफिनेटली 68750 ही रहेगा. और यहां पे आप टोटल लिखेंगे 68750. अभी डिफरेंस देना है तो 68750 में से माइनस करोगे 9000. तो जब आप माइनस करोगे 9000 तो यू विल गेट 59750. नाउ दैट मींस कि अब मुझे यहां पे क्या पास करना है, डिफरेंस 5 पास करना है. तो मेरा जो इधर डिफरेंस आएगा दैट इज नोन एज नेट डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं. और ये जाएगा ब्रह्मा एंड विष्णु. अब कितना डिवाइड होगा तो उसके लिए यू हैव टू चेक द क्वेश्चन. तो क्वेश्चन को अगर चेक करोगे तो क्वेश्चन के स्टार्टिंग लाइन में ही मैंने आपको अंडरलाइन करवाया था, रेशियो है 3:2. सो दैट मींस अब ब्रह्मा को कितना मिलेगा, तो 59750 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 5, सो यू विल गेट 35850. Now we talk about the Vishnu. 59750 multiply 2 divided by 5. So you will get 23,900. So ye inka aya net divisible profit. Ab ye jo net divisible profit hai, ye jata hai on the capital account credit side. Aur idhar hum likhte hain by नेट डिविजिबल प्रॉफिट. सो ब्रह्मा का है 59750, सॉरी मैंने टोटल बोल दिया, इट इज 35850 एंड 23,900. नाउ वी विल मेक द टोटल. ब्रह्मा का जो टोटल है दैट इज 95. विष्णु का टोटल करेंगे तो वी विल गेट 72,900. यही ट्रांसफर होगा डेबिट साइड 95850 एंड दैट इज 72,900. अब इधर डिफरेंस फाइंड हो, और ये जो डिफरेंस फाइंड होगा इसे हम बोलते हैं टू बैलेंस. दैट इज रिटन एज टू बैलेंस कैरिड. So, two balance carried out. अब कितना आएगा, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 95,850 में से 5,000 माइनस कर दोगे तो 90,850. 72,900 में से माइनस होगा 5,000 जो ऊपर दे रखा है, तो ओरली माइनस करने से भी आ जाएगा 67,900. मुझे पता है कि आप लोग ओरली तो करोगे नहीं, इसलिए भी कैलकुलेटर यूज करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोग कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं. अब ये जो डिफरेंस आया कैपिटल का जाएगा बैलेंस शीट. So that means अब मैं ये बैलेंस शीट में यहां पे इनका टोटल लिखूंगा, तो यहां पे हेडिंग दे दूंगा कैपिटल ब्रह्मा एंड दैट इज 90,850. विष्णु 67,900. तो ये जो इनका डिफरेंस है वो इधर आ जाएगा. और लास्ट में अब आप बैलेंस शीट का टोटल करेंगे. तो व्हेन यू मेक द टोटल ऑफ बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में आपका एसेट का टोटल, लायबिलिटी का टोटल आप करते हैं. सो लायबिलिटी का टोटल करते हैं तो यू विल गेट 50,000. So over here we'll make the correction and write down Brahma 50,000, and now we make the total. So total is 2,44,000. So that is 2,44,000.
अब हम एसेट का टोटल लेंगे और एसेट का टोटल करेंगे तो दैट कम्स टू 2,44,000। सो 2,44,000 तो यहाँ पे हमारा ये टैली हो गया है, तो हमें पता चल जाएगा कि टैली होते कि हमारा सब टैली हो गया है।